हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना का, वही 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करते हैं प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम है रोहितास। रोहितास इसका प्राचीन नाम है, जो पवार वंश के रोहितास राजा था, जो वो पवार वंश का राजपूत राजा था, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था रोहितास। बाद में इसको रोहतक कहा जाने लगा। फिर बात करते हैं तहसील। इसकी तहसील कौन कौन सी हैं? तो तहसील हैं महम, कलानौर, सांपला इसकी तहसील है। और उप तहसील कौन सी है? लाखन माजरा उप तहसील, लाखन माजरा इसकी उप तहसील है। जो सांपला है, सांपला का नाम छोटू राम नगर हो गया है। छोटू राम नगर इसका नाम बदल दिया सरकार ने। जो कलानौर है, ये काला और नूर दो भाइयों ने बसाया था, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था कलानौर। ठीक है, उसके बाद है महम। महम में से सबसे फेमस क्या है? महम चौबीसी का चबूतरा, चौबीसी महम चौबीसी का चबूतरा बहुत ही फेमस है महम में। उसके बाद है ज्ञानी चोर। ज्ञानी चोर की बावड़ी, ज्ञानी चोर की बावड़ी भी महम में है। एक महम में शुगर मिल है। रोहतक जिले में दो शुगर मिल हैं। दो शुगर मिल, शुगर मिल मतलब कि जहाँ पे चीनी बनती है, शुगर चीनी मिल। तो एक तो है महम और दूसरा है सेकंड कहाँ पे है, डोब वाली गांव में। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा का फर्स्ट कॉलेज रोहतक में 1926 में खुला था, स्टार्ट हुआ था, और जिसका नाम क्या है? पंडित नेकीराम कॉलेज। पंडित नेकीराम कॉलेज है जो, वो हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज था जो 1926 में खोला था। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। दूसरा है पीजीआई, पीजीआई यूनिवर्सिटी हेल्थ यूनिवर्सिटी है जो, पीजीआई मेडिकल है, मेडिकल तो पहले का है। ये यूनिवर्सिटी कब बनी? पीजीआई यूनिवर्सिटी ये बनी 2008 में।
और उसके बाद है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी रोहतक में है 2009 और 10 में। मतलब कई बार 9 ऑप्शन में होता है, कई बार 10 होता है, 9 में और 10 में बना था। फिर है रोहतक में हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? ये है रोहतक में, जो कि 44 एकड़ में फैला है, 44 एकड़ में फैला है। उसके बाद यहाँ पर एक स्थान है स्थल बोहर मठ बोलते हैं इसको, स्थल बोहर मठ। यहां से क्या मिला है? बलराम की मूर्तियां, बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस स्थान पर हरियाणा के पहले कवि चौरंगी नाथ का संबंध इस जगह से है, स्थल भोर मठ से। चौरंगी नाथ ने क्या था, हरियाणवी बोली में लिखी थी, हरियाणवी बोली के लेखक थे। और इनकी एक रचना पूछी जाती है जिसका नाम है प्राण सांखली खै लै ई, प्राण सांखली एक इनकी रचना थी जो बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। दूसरी जगह है खोखरा कोट, खोखरा कोट क्या है, एक जगह है जहां पर क्या मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के, पहले टाइम पे जो इंडो ग्रीक के सिक्के थे वो यहाँ से मिले हैं। तीसरी बात है बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध है जो, उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है, गांव का नाम है ब्राह्मणवास, ब्राह्मणवास गांव से बुद्ध की मूर्ति मिली है। उसके बाद जो रोहतक फेमस है किसके लिए है, गज्जक तथा रेवड़ी, सबसे ज्यादा अच्छी किस्म की गज्जक और रेवड़ी रोहतक में मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं खेल स्टेडियम, तो सबसे पहले है राजीव गांधी खेल स्टेडियम, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है जिसमें हरियाणा के अंदर क्रिकेट के बहुत से मैच होते हैं, राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक। दूसरा है बंसीलाल, बंसीलाल खेल स्टेडियम कहाँ है, ये है लाहली गांव में, लाहली गांव रोहतक। तीसरा है राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी, राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी, जब बॉक्सिंग का नाम आता है तो उसमें वजेंद्र सिंह का नाम आता है, और मोस्टली बॉक्सिंग की जो एकेडमी है वो भिवानी में है, तो आपने याद रखना है राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ है, रोहतक में। उसके बाद है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की एकेडमी कहाँ है, रोहतक में। राज्य फिल्म बोर्ड, मतलब जो हरियाणवी फिल्म बनती है, हरियाणा में जो फिल्म बनती है उनका बोर्ड कहाँ है, रोहतक में। और जो पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे जो ड्रामा और खेल ये
यूनिवर्सिटी बनी है विजुअल आर्ट यूनिवर्सिटी, वो भी रोहतक में है पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे। उसके बाद है जो एशियन पेंट आता है, एशियन पेंट का उद्योग कहाँ है, ये भी रोहतक में है। उसके बाद नट एंड बोल्ट उद्योग, ये भी रोहतक में, नट एंड बोल्ट उद्योग रोहतक में है। उसने क्या किया था, जो मंगलयान बेचा था उसके पुर्जे थे जो, वो हमारे रोहतक में बने थे, कुछ पुर्जे। ठीक है, उसके बाद है यहां से एक राष्ट्रीय अखबार निकलता है, राष्ट्रीय अखबार जिसका नाम है अरिभूमि। अरिभूमि ये 1996 से प्रकाशित होता है। उसके बाद यहां पर क्या है, गौकर्ण तालाब, मैना, तिलियार, यहां पर जिले हैं। और क्या है, काजी शीशे की और दीनी, ये तीन यहां पर मस्जिदें हैं जो तीनों ही पेपर में पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद सबसे कम गांव, सबसे कम गांव रोहतक जिले में है, रोहतक जिले में है, कितने हैं, 143 गांव। फिर यहां पर फोरेंसिक लैब की स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी, 1973 में, जो 1976 में मधुबन करनाल में शिफ्ट कर दी थी, शिफ्ट। फोरेंसिक क्या होता है, फोरेंसिक लैब वो होती है जैसे सीआईडी में होते हैं, दिखाते हैं टीवी में, जो जांच करते हैं किसी भी चीज की, गहन अध्ययन करते हैं कि फिंगरप्रिंट वगैरह हो गया है, इस तरह के। फोरेंसिक लैब की स्थापना रोहतक में हुई थी 1973 में, 3 साल के बाद उसको मधुबन में शिफ्ट कर दिया, और मधुबन करनाल के अंदर आता है। उसके बाद है यहाँ के व्यक्ति जो फेमस है, प्रसिद्ध व्यक्ति, व्यक्ति कौन है, सबसे पहले छोटू राम, सर छोटू राम। दूसरा है नसीब सिंह कुंडू, नसीब कुंडू कौन था, एक एक्टर था जो फिल्म, हरियाणवी फिल्म थी चंद्रावले, उसमें एक्टिंग की थी नसीब सिंह कुंडू ने। तीसरा है अभिनेता, तीसरा है किशन लाल सेठ, ममता खरब, ये ओकी खेलती है लड़की, गोल्डन गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं, ममता खरब, साक्षी मलिक को तो सभी जानते हैं, कुश्ती, जोगिंदर शर्मा, पूजा बत्रा का संबंध रोहतक से है। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका, दयाचंद मैना को हरियाणा का
जॉन मिल्टन दयाचंद मैना को हरियाणा का जॉन मिल्टन बोलते हैं। दयाचंद मैना को हरियाणा का जॉन मिल्टन बोलते हैं। इसने नाटक बनाया था, नाटक किसके ऊपर था? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नाटक बनाया था, नाटक बनाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।